हेलो गाइस, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ एशियन चैंपियंस लीग का मैच काया वर्सेस पीजी पथुम यूनाइटेड एफसी के बीच में होने वाला है। मैच स्टार्ट होगा 3:30 PM पर। कंफर्म लाइनअप्स आ जाएगा 2:30 PM पर। तो कंफर्म लाइनअप्स और आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर लाइनअप फाइनल टीम और जो भी फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा टेलीग्राम चैनल पे ही आएगा। और जो भी मैचेस मैं खेलता हूँ, मैक्सिमम मैचेस की टीम्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। ज्वाइन कैसे करोगे? सिंपली जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसी लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 23,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुका है, आप भी ज्वाइन करो, फ्री में बेनिफिट्स उठाओ। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको अपटर लाइन ऑफ फाइनल टीम और फर्दर अपडेट्स न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। उसी लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, अपटर लाइन ऑफ फाइनल टीम और फर्दर अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। बात कर लेते हैं न्यूज़ की। रिसेंट फॉर्म हेड टू हेड रिकॉर्ड से स्टार्ट करते हैं न्यूज़। तो काया लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ एक मैच विन किया है और लगातार 4 मैच में लॉस फेस किए हैं और बहुत पुअर परफॉर्मेंस पुटअप किया है काया रिसेंटली। लास्ट मैच में एक गोल किया था और उल्सन हुंडई जैसे स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ तो थोड़ा बहुत फाइट देखने को मिले थे काया से, लेकिन उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है, एक रेड कार्डेड हो गया था उल्सन हुंडई की प्लेयर्स की, तो उसी वजह से काया ने थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। लेकिन रिसेंटली अगर इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत पुअर चल रही है। सामने पथुम यूनाइटेड है जिनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही चल रही है, इम्प्रेसिव रहा है। लास्ट 5 मैचेस में 3 मैच विन किया है पथुम यूनाइटेड, 2 मैच में लॉस किए हैं और वो 2 मैच बड़े टीमों के खिलाफ था, उल्सन हुंडई और मांगटंग यूनाइटेड। तो देखो इस मैच में ऑब्वियसली पथुम यूनाइटेड फेवरेट है ऑन द पेपर और मुझे भी लगता है बेटर फुटबॉल खेलने वाला है पथुम यूनाइटेड इस मैच में। लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था 4-1 से पथुम यूनाइटेड ने इजीली विन किए थे, तो इस टाइप ऑफ स्कोरशीट फिर से आपको दिख सकते हैं। लेकिन चैंपियंस लीग जो एशियन में होने हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस कर रहा है कोच टीमों में, तो फिर से अगर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले दोनों टीमों से तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि हमेशा बेंच प्लेयर्स को ज़्यादा अभी मौका मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफा जो हार रहा है ना टीम, वो टीम भी चेंज कर रहा है, जो एक तरफा जीत भी रहा है वो टीम भी चेंजेस कर रहा है और अपने बेंचर्स को ट्राई कर रहा है। तो फिर से इस मैच में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। लास्ट मैच में जो खेले थे वो शायद इस मैच में ना खेले, ये हो भी सकते हैं, उसके लिए लाइनअप्स की वेट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंजरी डाउटफुल प्लेयर्स की। तो कोई भी न्यूज़ मुझे मिला नहीं है अबाउट इंजरी। पॉसिबल लाइनअप्स देख लेते हैं। तो लास्ट मैच में ये प्लेयर्स खेले थे काया की तरफ से, गोल की बस में जे बैजोन आपको खेलते हुए दिखे थे, एम एनजी, डी मिचेल, एस रोटा और एम चश्मेरी आपको डिफेंडर सेक्शन में दिखे थे। डिफेंडर्स में तो क्वालिटी ठीक ठाक है, दो प्लेयर मैं सजेस्ट करूंगा, एक तो एम चश्मेरी और दूसरा मेनजी। डी मिचेल भी अच्छे हैं लेकिन ज़्यादातर क्लियरेंस और ब्लॉक शॉट करते हैं जिनका पॉइंट नहीं मिलते हैं, इस वजह से मैं डी मिचेल को उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। डिफेंसिवली एबिलिटी सबसे ज़्यादा है चश्मेरी के पास। अगर एक्स्ट्रा और एक डिफेंडर लेना है काया की तरफ से तो आप मेनजी को भी पिक कर सकते हो। और गोलकीपर ऑब्वियसली पीक है इस मैच में काया के गोलकीपर, ठीक है। मिडफील्डर्स की बात करूं तो डी डी ब्रुकेर ने लास्ट मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस पुट अप किया था, बहुत सारे पासेस कंप्लीट किए थे, एक टैकल इंटरसेप्शन भी किए थे और साथ में एक ऑन टारगेट भी रखे थे, तो अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट मैच में किया था ब्रुकेर ने। ऊपर आपको फूजी खेलते हुए दिखेगा, डिजायो है, ओमुरा है, बेडिक है और ऊपर एकदम आपको केसिरो डीएनआलाइस खेलते हुए दिख जाएगा। देखो जो प्लेयर जल्दी सब्स्टिट्यूट हो रहा है उन सारे प्लेयर्स को आप कभी भी पिक मत करना, क्योंकि वो किसी भी टाइम सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। जैसे एम ओमुरा, इस प्लेयर को मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट मैच में गोल किया था बेडिक ने, तो इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। डी ब्रुकर एक अच्छा चॉइस है, फूजी एक अच्छा चॉइस है, लास्ट मैच में असिस्ट किए थे। और यहाँ पे चश्मेरी इंपॉर्टेंट पिक है, गोलकीपर इंपॉर्टेंट पिक है और यहाँ पे जो अटैकर्स एकदम ऊपर खेले वो कभी कभार गोल कर सकते हैं और लास्ट मैच में फुल टाइम मिले थे उनको, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम से। अब बात कर लेते हैं पेनाल्टी कौन लेते हैं और फ्री किक कौन करते हैं। सो फ्री किक कॉर्नर आपको टेक करते हुए दिख जाएगा डी ब्रुकेर और आर फुजी, और इस टीम के तरफ से पेनाल्टी टेक करते हुए आपको दिख जाएगा आइदर डी एनियल्स आइदर बेडिक, क्योंकि अभी तक इस टीम को पेनाल्टी नहीं मिले हैं,
तो कौन पेनाल्टी लेगा वो देखना थोड़ा मुश्किल है, अगर पेनाल्टी मिलते तभी देख पाएंगे, लेकिन जितना दूर मुझे लगता है डीएनियल्स या बेडिग में से पेनाल्टी लेगा और फ्री किक कॉर्नर यहाँ पे आरफुजी और डिब्रुकैन ने करते हैं इस टीम के तरफ से। सो इस टीम से तरफ से मैं टॉपिक ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब बात कर लेते हैं पैथुम यूनाइटेड एफसी की। तो पैथुम यूनाइटेड एफसी की तरफ से गोल कीपर में आपको खेलते हुए दिख जाएगा सी बैट पॉम, और डिफेंडर्स में आपको सी चिमटिली खेलते हुए दिखेगा, वी कैडोजो है, ए टूनूज है, तो यही थ्री डिफेंडर आपको दिखेगा। और यहाँ पे चिमटी को अटैकर सेक्शन में दे रखे, तो ये भी डिफेंस में नहीं है। तो लास्ट मैच में जो लाइनअप था सिर्फ दो ही प्लेयर डिफेंस में खेले थे और वहाँ पे टूनूज ने गोल किया था, तो ये दो प्लेयर मास्ट हैव पिक है। अगर कोई भी टीम क्लीन शीट रख सकती वो पैथुम यूनाइटेड ही मुझे लगता है क्लीन शीट रख पाएगा। तो ये जितने भी डिफेंडर्स खेलेगा पैथुम यूनाइटेड से सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मिडफील्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे योन है, एस चेनगॉम है, सी वेराचार्ट है, एस परासुई, ई अमटुंगी, यहाँ पे पेहोम और ऊपर आपको दियोगो खेलते हुए दिखे थे। लास्ट मैच में एक चीज़ नोट करना, थ्री प्लेयर सब्स्टिट्यूट हुआ था सब मतलब हाफ टाइम पे, एक पहोम सब्स्टिट्यूट हुआ था हाफ टाइम पे, परसुई और यहाँ पे चेंगवेम। तो ये तीन प्लेयर्स को ले सकते हो, लेकिन देखो रिस्की होगा हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर होते हैं, तो कोच उनको फिर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये तीन प्लेयर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और जितने भी प्लेयर है अच्छे हैं, और मैं टॉप पिक की बात करूं तो उससे पहले पेनाल्टी लेगा डियोगो इस टीम के तरफ से, और फ्री किक कॉर्नर आपको करते हुए दिख जाएगा वेराचार्ट और योयेन। तो ये दो प्लेयर फ्री किक कॉर्नर टेक करेगा और यहाँ पे डियोगो आपको पेनाल्टी लेते हुए दिख जाएगा, थोड़ा बहुत कॉर्नर टूनूज भी कर सकते हैं। सो इस टीम के तरफ से टॉप पिक की बात करूं तो डियोगो, यहाँ पे वेराचार्ट, योन, टूनूज, चिमिटी, कार्डोजो, और यही में से आप ज़्यादातर प्लेयर्स पिक करने की कोशिश करना, यही में से आपको ज़्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस पुट अप करते हुए दिखेगा इस मैच में। बात कर लेते हैं मेरी प्रेडिक्शन, तो 2-0 पैथुम यूनाइटेड विन मुझे लगता है इस मैच में, दो से ज़्यादा गोल भी कर सकते हैं पैथुम यूनाइटेड। काया से कुछ भी गोल किए मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, लास्ट मैच में ओपोनेंट 10 मैन हो गया था, इसी वजह से एक गोल कर पाए थे काया की टीम, लेकिन मुझे नहीं लगता काया की टीम गोल कर पाएगा 11 vs 11 में। तो अगर आपको लगता है तो आप उस टाइप ऑफ टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मुझे नहीं लगता काया की टीम गोल कर पाएगा। मुझे लगता है पैथुम 2+ गोल करेगा, मतलब दो से ज़्यादा गोल करेगा। अभी रिसेंटली आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गोल हो रहे हैं, एक एक मैच में 7-8 गोल हो रहे हैं एशिया चैंपियंस लीग में। बात कर लेते हैं मेरी फैंटेसी टीम की, तो ऑब्वियसली 7-4 का ही कॉम्बिनेशन है, मेरा कैप्टन यहाँ पे डियोगो ही है जो इसकी टीम का पेनाल्टी टेकर है, मास्टर पिक, इवन कैप्टनसी का सबसे बेस्ट चॉइस, वाइस कैप्टन में वेराचार्ट को पिक किया हूँ। आपके पास चिमिटाली का अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टन का, आप यहाँ पे डिफेंस में कार्डोजो टानूस को भी आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, एक प्लेयर चेंज कर सकते हो, आप फूजी के जगह पर आप पिक कर सकते हो दूसरी टीम का जो लास्ट मैच में गोल स्कोर था बेडिक, उनको आप ले सकते हो। ये मेरा अभी तक का टीम है, इस टीम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होगा क्योंकि लाइनअप में बहुत ज़्यादा चेंजेस अभी हो रहा है यहाँ पे एशिया चैंपियंस लीग में। इस वजह से जो फाइनल टीम आएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही आएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक के थ्रू से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो। अपटर लाइनअप, फाइनल टीम और फर्दर अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। अगर ऐसे ही न्यूज़ आपको लेना है, प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक कर लेना। थैंक यू।